हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल क्लिप गेमिंग में। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग पीसी गेम्स को आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में खेल सकते हो। और गाइस, इन गेम्स को खेलने के लिए आपको कुछ ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा फ़ोन चाहिए और एक ऐसा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए। तो गाइस, सारे स्टेप्स बताने से पहले गाइस, हम लोग इस वीडियो में जो एप्लीकेशन यूज करेंगे उसका नाम है एनवीडिया जी फोर्स नाउ। तो गाइस, बेसिकली एनवीडिया जी फोर्स नाउ एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है, जिसमें गाइस आप गेम्स को क्लाउड करके आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में खेल सकते हो। अभी गाइस एक चीज बता दूं, इस एप्लीकेशन पे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सारे गेम्स फ्री में मिल जाएंगे, पर कुछ गेम्स रहेंगे जो आप फ्री में खेल सकते हो। तो गाइस, आपको पहले स्टेप में क्या करना है कि गाइस आपको आपका फोन का ब्राउजर ओपन करना है और गाइस उसमें जाके आप लोग को सर्च करना है कि क्रिएट एनवीडिया अकाउंट। तो गाइस, एनवीडिया का एक ऑफिशियल साइट आएगा, वहां पर आप लोग को टैप करके गाइस एक आपको एनवीडिया का अकाउंट बनाना है। अभी गाइस बहुत से लोग क्या करते हैं कि एनवीडिया का अकाउंट नहीं बनाते, सीधा वो जी फोर्स नाउ एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और गाइस बाद में जब लॉगिन का सीन आता है वहां पे वो लोग अटक जाते हैं। इससे अच्छा आप पहले ही एनवीडिया का अकाउंट बना दो। तो गाइस, अपने अगले स्टेप में गाइस आप लोग को ब्राउजर खोलना है और गाइस आप लोग को सर्च करना है कि डाउनलोड एनवीडिया जी फोर्स एपीके। तो गाइस, अभी बहुत सारे साइट्स आएंगे, एनवीडिया का ऑफिशियल साइट भी आएगा, लेकिन गाइस आप लोग को एपीके प्योर करके एक साइट है, वहां पर जाके आप लोग को एनवीडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अभी गाइस उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कीजिए। तो गाइस, अगले स्टेप में आप लोग को एक वीपीएन डाउनलोड करना है। मैं फिलहाल के लिए टर्बो वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप इस वीपीएन को डाउनलोड कीजिए। और गाइस, वीपीएन में आप लोग को रीजन रखना है यूनाइटेड स्टेट्स। तो गाइस, जैसे आप लोग का वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा वैसे आप इस एप्लीकेशन को चालू कर दो। और गाइस, एप्लीकेशन चालू करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेगी, एक तो गेट स्टार्टेड रहेगा और एक रहेगा लॉगिन। अभी गाइस आप लोग को लॉगिन पे टैप करना है और गाइस जो आप लोग ने पहले एनवीडिया का अकाउंट बनाया था उसके सारी डिटेल्स इसमें डाल दो। और गाइस थोड़ा टाइम लेगा वो लॉगिन होने के लिए, पर एक बार लॉगिन हो जाएगा फिर गाइस आप लोग सीधा एनवीडिया के मेन स्क्रीन पे आ जाओगे और आप लोग को सारे गेम्स दिखेंगे। अभी गाइस एप्लीकेशन चालू होने के बाद गाइस आप लोग को सेटिंग्स में आना है और गाइस आप लोग को स्ट्रीम क्वालिटी रखनी है 720p और मैक्स बिटरेट रखना है आप लोग को 4 Mbps। तो गाइस इसके बाद आप लोग को सर्विस लोकेशन में जाना है और गाइस वहां पर लोकेशन रखना है ईयू सेंट्रल 4। और गाइस एक और चीज ध्यान में रखो कि जब भी आप लोग को एनवीडिया जी फोर्स नाउ पे गेम खेलना होगा आप लोग को वीपीएन कनेक्ट करके ही खेलना होगा। तो गाइस मैं आप लोग को अभी गेम प्ले खेल के नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइस मेरा इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, पर गाइस आप लोग मुझे खेल के कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए। मैं मिलता आप सभी लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।